हेलो बच्चों, कैसे हो? सारे स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक बहुत ही सुंदर सा सब्जेक्ट, जिसके अंदर आप ये सीखेंगे कि कैसे हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन, हमारे दिए हुए इनपुट, कंप्यूटर उनको एक रॉ डेटा से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को ले जाता है और कैसे उसको मैनिपुलेट करता है। ठीक है भाई? ठीक है, तो इसकी चर्चा हम आज से और इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है भाई, अब ये व्हाट इज कंप्यूटर नाम का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो हम एक कोडिंग पर्सपेक्टिव से भी दे सकते हैं या फिर एक आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी कोडिंग की बात करूं कि भाई अगर हम कोडिंग सब्जेक्ट में इस चीज को पढ़ रहे होते तो हम ये बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक इनपुट लेकर कुछ उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद एक आउटपुट जनरेट कर देता है। अगर यही चीज अगर आप जाके आर्किटेक्चर के पेपर के अंदर लेके आते हो तो फिर क्या होगा ना, आपको एग्जामिनर थोड़े देगा नंबर कम। क्यों देगा? क्योंकि यहां पर कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। और यही होता है जब आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो कि भैया हम तो सब कुछ लिख के आए थे पर एग्जामिनर ने हमको नंबर ही नहीं दिए, क्योंकि आपने वो रेलेवेंट आंसर नहीं लिखा। उस रेलेवेंट आंसर की वजह से ही इंसान जो होता है, जो क्या नाम है, जो हमारा एग्जामिनर होता है, वो हमें जो पूरे नंबर होते हैं ना उस क्वेश्चन के, अगर 7 नंबर है तो 7 देगा, 5 होते हैं तो 5 देगा। ठीक है, वहां पर कमी इसलिए पड़ती है। तो यहां पर हमने आर्किटेक्चर की जो आर्किटेक्चर का रेफरेंस है उससे क्या कंप्यूटर की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि दिए हुए रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब वो मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए आई है एज एन आउटपुट, वो मीनिंगफुल होती किसके लिए है बच्चों? वो होती है कंप्यूटर के लिए। वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है, उसको कंप्यूटर अपने हिसाब से ट्रीट करता है। उसको क्या, कैसे उसको स्टोर कराना है, कैसे उस पर प्रोसेसिंग करवानी है, ये सारा काम कंप्यूटर का होता है। तो जो बात आई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की, बेसिकली जिसको हम आउटपुट भी बोलते हैं, वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए मीनिंगफुल है। क्योंकि भैया वो ऐसी एक लैंग्वेज के अंदर होती है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 0-1 बाइनरी होती है या फिर असेंबली हो जाती है। ठीक है, ये दोनों ही एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो हमारा जो जितना भी हमारा जो मतलब पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव रहने वाला है इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने वाला, वो हमारा सिर्फ रहेगा कहाँ कहाँ पर? हमारा सिर्फ रहेगा उस रॉ डेटा के ऊपर जो कि डेटा हम कंप्यूटर को देने वाले हैं, और उस प्रोसेसिंग के ऊपर जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर अपने तौर पे करने वाला है उसको हम समझने वाले हैं। हम एक एक पुर्जे को कंप्यूटर को खोल खोल के नहीं देखेंगे, हम केवल उस प्रोसेसिंग को समझेंगे, उस वर्क फ्लो को समझेंगे जिस तरह से कंप्यूटर काम करता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो बेसिकली सिद्धांत तो वही है, डेफिनेशन वही रहेगी पर कहने का तरीका बदल जाएगा। एक इनपुट जो होता है, इनपुट हमारा एक डेटा होगा जो कि रॉ डेटा होगा, और जो आउटपुट होगा, आउटपुट में हमारा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम सिर्फ इन दोनों चीजों से चलने वाला है इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है भाई। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, अगर जो हमने लिखी हुई है उस डेफिनेशन के अंदर यही बात लिखी हुई है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, रॉ डेटा को कन्वर्ट कर देता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन पे। यहां पर हम रॉ डेटा को क्या बोलेंगे, हमारा इनपुट बोलेंगे, और यहां पर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम आउटपुट बोलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। और वो प्रोसेस डिवाइस, दैट प्रोसेस की भी बात हो रही है ना कि वो प्रोसेस करता है। अब वो प्रोसेस के अंदर क्या करता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अगली बात लिखी है कि इट फॉलो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द टास्क सच एज कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन एक बहुत ही बेसिक टास्क होता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है भाई, जैसे हम लोग हमारे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करवाते हैं, कुछ लोग बहुत फास्ट मैथमेटिक्स करते हैं तो वो खुद भी दिमाग से कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो क्या होता है, हमको कुछ नंबर्स मिलते हैं, हम कुछ कुछ डेटा मिलता है, उस डेटा के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कंप्यूटर यही काम बहुत ही इफिशियंट तरीके से और बहुत ही तेजी से करता है। क्यों भैया? एक इंसान शायद 10 तरह की कैलकुलेशन कर ले, 11वीं शायद उसको थोड़ा करने में ना आलस आए, या हो सकता है वो कोई गलती कर दे, पर कंप्यूटर 1000 कैलकुलेशन को भी बहुत ही तेजी से और बिना किसी गलती से, बिना थके हुए कर सकता है। तो इसका मतलब ये भैया क्या करता है, एक ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। क्या भैया? एक ऐसी रेसिपी बुक को फॉलो करता है। रेसिपी बुक तो मतलब बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए। एक ऐसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है जिसकी मदद से वो एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को या फिर क्या है, डिसीजन मेकिंग को अचीव कर पाए। डिसीजन मेकिंग का
मतलब क्या हुआ भैया, जब कंप्यूटर को कंफ्यूजन होता है कि भैया मुझे इफ ये चलाना है या एल्स ये चलाना है, मतलब या तो ये करना है या तो वो करना है, मतलब ये वो का मतलब ये है, दो अलग अलग टास्क है उसके पास चॉइस है करने के लिए, ठीक है। तो वो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, जो एक इंसान बहुत ही धीरे धीरे करेगा पर कंप्यूटर बहुत तेजी से करेगा, ठीक है भाई। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन मतलब भैया हमारे एक डेटा को, मतलब जो हो सकता है दो नंबर हुए, वो दो उस दो नंबर से हमको एक तीसरा नंबर बनाना है जो कि हो सकता है ऐड करने पे बने, हो सकता है मल्टीप्लाई करने पे बने, हो सकता है डिवीजन करने पे बने, ठीक है भाई। ठीक है, तो भाई ये सीधी सीधी बात है, कैलकुलेशन, डिसीजन मेकिंग और डेटा मैनिपुलेशन जैसे कुछ काम जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कुछ चंद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से कर सकता है। ये डेफिनेशन आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो एक पर्सपेक्टिव से, किसके पर्सपेक्टिव से, आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन होने वाली है, ठीक है भाई। चलो अगला पॉइंट जो है इसके ऊपर लेते हैं कि भैया हम तो ये सोचते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, हमारी दी हुई इनपुट को प्रोसेस कर देता है, पर क्या होता है कंप्यूटर के पास सिर्फ एक इनपुट नहीं आती, कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इनपुट्स को पर सेकंड में भी रिजोल्व करने की ताकत रखता है, ठीक है भाई। लेकिन हम तो क्या करते हैं, कंप्यूटर से मुश्किल से 2-4-5-6 टास्क करवाते हैं कि एक साइड हम गेम खेल रहे हैं, दूसरी साइड गाना सुन रहे हैं, पर कंप्यूटर के पास इतनी ताकत है कि वो एक साथ शायद ऐसे 10 काम भी कर सकता है, ठीक है भाई। इतनी कैपेबिलिटी तो उसके पास है, तो इसका मतलब ये है कि भैया वी कैन गिव द इनपुट टू परफॉर्म द प्रोसेसिंग बिहाइंड द सीन्स, कंप्यूटर के पीछे एक प्रोसेसिंग चल रही होती है जो कि सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है भाई। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर रिजॉल्व करता हुआ निकल जाता है, ठीक है भाई। अब कंप्यूटर ये काम कैसे करता है, क्या होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, कैसे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर कंप्यूटर या प्रोसेसर बेसिकली बोले तो स्विच करता है, आगे आपको ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे में और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस स्लाइड में आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है उसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको अगली स्लाइड के ऊपर लेके जा पाऊं। अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है भाई। तो ये सब्जेक्ट, ये जो इस सब्जेक्ट के बेसिक्स, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बिल्कुल बेसिकली हमारे सब्जेक्ट के नाम को दर्शाती हैं, उसको धीरे धीरे हम थोड़ा सा समझ लें ताकि हमको एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाएगी कि अच्छा हमने इसमें ये पढ़ना है, ठीक है भाई। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बताओ मुझे सबसे पहले। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। मान लो आप साइकिल चलाते हो, अगर आप साइकिल बनाने वाली कंपनी से ये पूछो कि भैया साइकिल के जो पैडल है वो सीट के जस्ट नीचे क्यों होते हैं या हैंडल सामने ही क्यों होता है, ठीक है, वो बोलेंगे भैया आपको चलाने में थोड़ी आसानी पड़ जाती है, थोड़ा इजी पड़ता है चीजें करने में। इसी को बोलते हैं भैया ऑर्गेनाइज करना चीजों को। अगर हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो क्या होता है, काम थोड़ा आसान हो जाता है और प्रोसेस करने में हमको डिले कम लगता है या फिर थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है, ठीक है भाई। अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज है तो फिर उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर भी डिफाइन करने लगता है। मतलब कि भैया अगर पैडल जो होगा साइकिल के सीट के जस्ट नीचे होगा तो क्या होगा भैया, आपको ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे पैडल मारने में क्या होगा, आसानी होगी। तो इसका क्या होगा भैया, उसका जो बिहेवियर होगा, पैडल का बिहेवियर जो होगा, साइकिल चलने का जो बिहेवियर होगा वो चेंज होता रहेगा। मतलब तेज भी चला सकते हो, धीरे भी चला सकते हो, हैंडल अगर सामने ही होगा तो आप उसको आसानी से मोड़ सकते हो, अगर पीछे होगा तो कैसे मोड़ोगे। बेसिकली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है किसी भी चीज की, वो ये डिफाइन करती है कि क्या उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होने वाला है और क्या उसका बिहेवियर होने वाला है, ठीक है भाई। फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब ये है कि अगर साइकिल हमारी ऐसे है, दो साइकिल ये ऐसी है, यहां पर हमारे पैडल होंगे, यहां पर हमारा हैंडल होगा, ठीक है, यहां पर सीट होने वाली है, ये पीछे उसका कैरियर होने वाला है, ठीक है। ठीक है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरह से अगर हम एक किसी भी चीजों को, पार्ट्स को ला लाके अगर हम ऐसे असेंबल कर देते हैं बेसिकली, तो फिर क्या बन जाएगी, वो एक साइकिल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक साइकिल बन जाएगी। तो क्या किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या डिफाइन किया, एक फिजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन किया और क्या किया भैया, एक बिहेवियर बताया। क्या बिहेवियर बताया, कि अगर आप पैडल मारोगे तो ये दो पहिए घूमेंगे और साइकिल आगे बढ़ेगी। ये क्या हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर और एक बिहेवियर बताया गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है भाई। तो क्या हम इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे? बिल्कुल सही, कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के हम बात करेंगे तो कैसे होंगे भैया, क्या होगा, हमारा कीबोर्ड कहाँ होगा, हमारा इनपुट डिवाइस कहाँ होगा, हमारी मेमोरी कहाँ होगी। अगर हमको ये पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं हम एक बिहेवियर को बताएंगे, ठीक है भैया। ठीक है, आपको एक अभी आगे मैं आपको अगली वीडियो में अंदर जब मैं आपको फंक्शनल यूनिट्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा
कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यहां होती है, बस आर्किटेक्चर यहां पर होता है, बेसिकली वायर्स कहां पर होते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको यह समझ में आएगा कि अच्छा कंप्यूटर ऐसे काम करता है। बिल्कुल सही, ठीक है। जैसे आप साइकिल को देख के समझ जाते हो ना कि ये चीज यहां पर क्यों है, ऐसे कंप्यूटर को देख के भी समझ जाओगे। इसी को बोलते हैं भैया कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद हम आपको थोड़ा सा बताएंगे तो आर्किटेक्चर बताएंगे, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत इस बात में, ठीक है। यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेसिकली रेफर करती है किसके ऊपर, एक फिजिकल स्ट्रक्चर और बिहेवियर के ऊपर, किसके, कंप्यूटर के। जैसे मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया, ऐसे ही अगर मैं मेमोरी और रैम के बारे में बेसिकली अगर बोलूं तो, और बोलूं तो भैया हार्ड SSD हार्ड डिस्क मेमोरी जो होती है अपनी SSD होगी, ठीक है, और प्रोसेसर की बात करूं, CPU की बात करूं, किसकी बात करूं, CPU की, ठीक है। जब इन सब चीजों की बात करूंगा, इनकी पोजीशन की बात करूंगा, इनकी वर्किंग की बात करूंगा, तो आप बेसिकली क्या डिफाइन कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कर रहे हो जो कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर और एक बिहेवियर को डिफाइन करने वाला है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो इसको मिटा देते हैं, तो अभी अपन अगले पॉइंट पे पढ़े। अब बात करते हैं कि अगर मैंने आपको बताया कि साइकिल के जब पैडल नीचे होंगे तो क्या होगा भैया, हम उसको पैडल मारेंगे साइकिल आगे बढ़ेगी, तो ये क्या किया इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर ने, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेरा मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि कैसे हमारा फंक्शनिंग होने वाली है, कैसे हम हमारी बेसिकली पैर की एनर्जी को साइकिल के मोशन में कन्वर्ट करने वाले, बेसिकली मान लो एनर्जी का फ्लो बताया, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा एकदम डीप लेवल पर फिजिक्स के लेवल बात करें तो ये है, ठीक है, मैंने हो सकता है शायद एक गलत एग्जांपल उठा लिया हो, पर कहने का मतलब ये है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हमारे डेटा का मूवमेंट जो होता है वो कैसे होने वाला है, द वे बाय विच द डेटा मूव्स बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। मतलब कि क्या हुआ, कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो, जैसे मेमोरी हुआ, रैम हुआ, बेसिक की बात है, प्रोसेसर हुआ, इनपुट आउटपुट डिवाइस हुए, और भी काफी सारा वायर वगैरह हुए, हम लोग कई बार गेम खेलने के लिए GPU वगैरह भी इंसर्ट कर लेते हैं उसके अंदर, तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन, डेटा, ये सब कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, यही डिफाइन करता है क्या ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने साइकिल वाले एग्जांपल में बताया कि पैडल की वजह से साइकिल पहिया घूमने वाला है, पैडल कहां है, पहिए कहां है, पर जो पोजीशन है, जिस तरह का आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर के सिद्धांत के ऊपर अगर हम पैडल घुमाएंगे तो पहिए घूमेंगे, ठीक है भाई। तो हमने बनाया ही इसको ऐसा गया है, ऐसे ही कंप्यूटर को भी कुछ इसी तरह से डिजाइन किया जाता है, वो डिजाइनिंग की बात हम पूरे सब्जेक्ट के अंदर करने वाले हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है भाई। चलो भाई अगला पॉइंट ये कहता है, देखो इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड द वे, मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या बताती है, एक वे बताती है बाय विच द डेटा जो होता है हमारा, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो हमारे बेसिकली जो हम लोग स्टोर कराते हैं, वो डेटा जो होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट लाइक CPU मेमोरी और इनपुट आउटपुट में कैसे ट्रेवल करता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो तो बेसिकली हमको कुल मिला के बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन डील करता है हार्डवेयर की वर्किंग पे, ठीक है, कैसे काम जमारा जो होता है, जो हार्डवेयर के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं एक साथ। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मोटा मोटा सिद्धांत यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हम ये समझते हैं कि कैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली तीन चीजों पे फोकस करना होता है, अगर आपको ये चार पांच पॉइंट जो मैंने ऊपर बेसिकली तीन पॉइंट बताएं, अगर इनको समझने में दिक्कत आ रही है तो ये आप लास्ट के तीन पॉइंट डिसाइड कर लो कि बस कुल मिला के बात ये करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कौन सी बात करने वाले हैं, ये कुछ बात करने वाले हैं, क्या है भैया, बात ऐसी है कि अगर इसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो बेसिकली अरेंजमेंट पे फोकस करेंगे, वर्क फ्लो पे फोकस करेंगे और ऑपरेशन पे फोकस करेंगे। छोटा सा वही एग्जांपल, क्योंकि मैंने अभी आपको कंप्यूटर के बिल्कुल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, तो मैं साइकिल का जो मैंने एग्जांपल दिया उसी की बात करता हूं। मान लो ये पहिए हैं हमारे, यहां पर हमारा कहीं ना कहीं पैडल होने वाला है, यहां पर हमारा हैंडल होगा, थोड़ा अजीब सा हैंडल बनाया मैंने, और यहां सीट होगी और ये बीच अपना कैरियर होगा, ठीक है भाई। ऐसी कोई साइकिल दिखती है, मेरी तो साइकिल ऐसी दिखती है, आपकी पता नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो मेरे को मालूम होगा पहिए हमारे नीचे रहेंगे, पैडल बीच में होगा, सीट ऊपर होगी, हैंडल इधर होगा और कैरियर इधर होगा। ये क्या है, हमारा बेसिकली साइकिल का अरेंजमेंट है, इस तरह से हमने साइकिल को बनाया है। ऐसे ही हम कंप्यूटर को किसी ना किसी सॉरी तो कैसे कंप्यूटर को हम बेसिकली असेंबल करेंगे, कौन सी चीज कहां डालेंगे, कहां पर लगाएंगे, बेसिकली उस पूरे सब्जेक्ट को हम उन चीजों को इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद उनको करने के बाद क्या वर्क फ्लो होगा, ठीक है भैया, हम यहां पर इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो इसके घुमाने की वजह से पहिया घूमेगा, ये क्या हुआ, इसका वर्क फ्लो हुआ। हैंडल को अगर आप इधर घुमाएंगे तो वो लेफ्ट जाएगा, उधर घुमाएंगे तो वो राइट जाएगा, ऐसे उठाएंगे तो एक पहिया आगे छोड़ जाएगा। ये क्या है, बेसिकली एक वर्क फ्लो है, किसका भैया, मोशन का वर्क फ्लो है, किसका, गाड़ी साइकिल कैसे आगे बढ़ेगी, इस चीज का वर्क फ्लो है, ठीक है भाई। ऑपरेशन क्या हुआ, यही ऑपरेशन हुए जिनकी मदद से वर्क फ्लो हो रहा है, जिनकी मदद से इंस्ट्रक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे भैया, उनको बोलेंगे ऑपरेशन, ठीक है भैया।
एक ऑपरेशन हुआ पैर मारना, पैडल मारना, एक ऑपरेशन हुआ हैंडल को घुमाना, इनकी मदद से क्या हुआ है, मोशन हो रहा है हमारी साइकिल का। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये साइकिल का एग्जांपल क्यों लिया गया है, इसीलिए लिया गया है ताकि आपको बेसिकली एक नॉलेज मिले कि भैया क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है। किसी भी चीज की ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से डिफाइन करी जाती है, ये चार पांच पॉइंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करने के, क्योंकि कंप्यूटर का जो बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है वो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, तो आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिलेगा, आप बोलोगे पता नहीं क्या बोल रहे हो भैया, समझ में नहीं आ रहा। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताने के लिए लिया गया है। चलो भाई, तो अब बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है भाई, मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है और क्या उसका रेफरेंस होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर के बारे में आप क्या समझते हो? ठीक है, जब भी मान लो आपका घर बना होगा जहां पर आप रहते हैं, या हो सकता है आपने अपने आस पड़ोस में कोई ना कोई एक बिल्डिंग बनती देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले हम लोग एक फ्रेम बनाते हैं। क्या करते हैं भैया, हमने क्या किया, ये मान लो सबसे पहले नींव डालते हैं, नींव डालने के बाद पिलर खड़े करते हैं। ठीक है भाई, पिलर खड़े कर दिए, फिर क्या हुआ, पिलर के अंदर वो सीमेंट भरी जाती है, पहले तो वो लोहे से पिलर बनाते हैं ना, तार वगैरह से, सरिया वगैरह से। ठीक है, फिर वो पिलर के अंदर हमने सीमेंट भर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक बीम डाल दी यहाँ पे, कि क्या होगा यहाँ पे छत आएगी, एक तरह की बीम डाल दी, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी गंदी सी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम इस छत को फिल करेंगे, फिर इसके ऊपर फर्दर हम ऐसे पिलर बनाएंगे, उसके अंदर काम करेंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप हम बिल्डिंग बनाने के प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हैं। आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज डिजाइन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है भाई, क्या होता है, कंप्यूटर को हम कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग को हमने कैसे डिजाइन किया, ये एक मैप बता देगा भैया। एक आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्ट जो होता है, इंजीनियर जो होता है, वो एक मैप डिजाइन करता है, उस मैप के आधार पर वो बिल्डिंग बनाई जाती है। तो क्या हुआ, किसी ने कंप्यूटर बनाने के लिए भी एक डिजाइन किया होगा कि भैया यहाँ पर हम लोग सीपीयू, जैसे सीपीयू का डिब्बा आपने देखा होगा, सीपीयू के डिब्बे के अंदर हमने पर्टिकुलर चीजें कहीं ना कहीं रखी देखी होंगी, कहीं ना कहीं वो पंखा देखा होगा आपने। ठीक है, एक बॉक्स टाइप का बेसिकली वहां पर अपनी हार्ड ड्राइव रहती है। ठीक है, कहीं पर छोटी सी चिप रखी होगी तो वो अपना कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, और भी छोटा सा मदरबोर्ड, उसके अंदर छोटे 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 बटन होते हैं, छोटे छोटे तार होते हैं। ये क्या है, बेसिकली हमने एक डिजाइन बनाया है जो कि हम बोलते हैं ये कंप्यूटर का क्या है, एक आर्किटेक्चर है। ठीक है भाई, ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज द डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है भाई, सेम बात वही जो मैंने आपको यहां बताई कि हमने एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक डिजाइन बनाया। ठीक है, कि यहां पर खिड़की होगी, वहां पर दरवाजा होगा, पर्टिकुलर जगह पे बालकनी होगी या छत होगी, ऐसा वैसा ये सब चीजें। ठीक है भाई, ठीक है, ये एग्जांपल है भाई। क्यों मैंने एग्जांपल आपको देना सही समझा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और जो आर्किटेक्चर कंप्यूटर फॉलो करता है बनाने के लिए वो नहीं बताया, तो बिना किसी रेफरेंस के इस तरह के आप लोग कंफ्यूजन में ना जाओ, इसलिए मैंने आपको एक बिल्डिंग का एग्जांपल दिया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब यही बात अगला पॉइंट कहता है कि अगर हमने एक डिजाइन बना लिया है तो उसके बाद कौन कौन सी चीजें जो है हमने उसके अंदर यूज किए हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक कंप्यूटर का एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैंने उसके अंदर कीबोर्ड फिट कर दिया है, माउस फिट कर दिया है, तो अगर मैं टाइप करूंगा तो मेरा जो अक्षर जो मैं टाइप करूंगा वो स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। अब यही चीज कैसे इंटरेक्शन करती है, कैसे मैंने अगर ए दबाया तो ए डिस्प्ले के ऊपर आ गया, कैसे मैंने अगर उसको सेव किया तो वो चीज मेमोरी में पहुंच गई, यही चीज हम डिफाइन करते हैं एक मैपिंग के थ्रू, एक डिजाइन के थ्रू, कि अगर मैं कीबोर्ड का ए प्रेस करूंगा तो वो स्क्रीन के ऊपर पर्टिकुलर जगह पे आ जाना चाहिए। ये आर्किटेक्चर डिफाइन करना ही हम बेसिकली इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन किया जाता है, आर्किटेक्चर डिफाइन हाउ इट्स कंपोनेंट जो होते हैं, बेसिकली कंपोनेंट क्या हुआ है, एक इनपुट डिवाइस जो कि मैंने कीबोर्ड बताया आपको, ठीक है, मेमोरी बताया, कैसे ये कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये बात बताई थी कि कैसे ये सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट जो है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है आपको ये समझना, मतलब बेसिकली टॉपिक तो आसान ही है, समझना कैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, वही बात लिखी है, सेम टू सेम अगला पॉइंट भी यही है कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि कैसे कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो कैसे इंस्ट्रक्शन भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है भाई, इंस्ट्रक्शन को कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन के कम्युनिकेट करने का मतलब सीधा सीधा सा है कि अगर मैंने इनपुट मतलब इनपुट डिवाइस मान लो मेरा कीबोर्ड है, मैंने अगर कीबोर्ड से कोई एक बटन प्रेस किया तो क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले के ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर वो जाएगी। अब वो इंफॉर्मेशन जो है कि फलाने व्यक्ति आए हैं, वो ए प्रेस कर रहे हैं, ये बात हमारे कंप्यूटर को बतानी है कि क्या हुआ, क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम चिट्ठी लिखेंगे, कंप्यूटर कहीं ना कहीं ये चीज जो करेगा वो एक बाइनरी कोडिंग की तरह करेगा, 0-1 की कुछ कोडिंग होगी, वो कंप्यूटर इस बिना पे करने वाला है। ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो डिस्प्ले तक पहुंचाई गई कि यूजर आए हैं, उनने ए प्रेस कर दिया है, इसको डिस्प्ले करवा दो। ये इंफॉर्मेशन गई प्रोसेसर के बाद, वो प्रोसेसर इस चीज को एनालाइज करेगा और बोलेगा अच्छा लो ले जाओ।
कहां पे डिस्प्ले करा दो, स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो इनपुट डिवाइस का आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्शन जो करवाया गया, वो कम्युनिकेशन करवाया गया, वो कैसे करवाया जाता है, इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी यहां पर हम केवल इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, डिफाइन, एग्जाम्पल दो। ठीक है भाई, ठीक है। अब जब ये चीजें आ जाती हैं तो उसके बाद कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी की बात आती है। क्यों? जब भी हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में भैया बिल्डिंग मौसम की मार को झेल पाएगी, नहीं झेल पाएगी? थोड़ा बहुत अगर मान लो छोटे मोटे अर्थक्वेक के झटके आ जाते हैं या बाढ़ बाढ़ आ जाती है, छोटे मोटे पानी वानी भर जाता है या कोई भी एक अलग एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हमारी बिल्डिंग अफेक्ट हो सकती है, तो क्या उसको वो सहने के लिए कैपेबल है? उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? अगर हमने बिजली की फिटिंग कराई है घर के अंदर, तो क्या वो एक साल चलेगी, दो साल चलेगी, चार साल चलेगी? ठीक है भाई, इफिशियंसी का मतलब सेम टू सेम यही है कि अगर हम दरवाजा खोलेंगे तो कैं पैं चैं चैं आवाज नहीं करेगा। ठीक है, विंडोज अगर हमने लगवाई है तो पर्टिकुलर वो मौसम से हमें बचा रही है कि नहीं बचा रही है? कि भैया हमने खिड़की लगवा ली पर ठंड तो अभी भी लग रही है, मतलब कहीं से तो छेद है उसके अंदर। बेसिकली यही बात है कि कैपेबिलिटी क्या है, वो घर उसको संभाल पाएगा नहीं संभालेगा, संभाल पाएगा। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस यही है कि अगर वायरिंग लगवा ली तो कितने साल चलेगी भैया, एक साल चलेगी, दो साल चलेगी, तीन साल चलेगी, डिपेंड करता है अपन किस तरह की वायरिंग यूज करते हैं। और एफिशिएंसी मतलब वही ना, इफेक्टिव कितना है जो काम हम करवाने की चाह रहे हैं सामने वाले से। अगर हमने विंडो लगवा ली है तो विंडो लगवाने की एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी मतलब वो विंडो कितना अच्छे से हमारे बारिश को या मौसम सर्दी को रोक पाती है। एग्जांपल, आप भैया इतना कंप्यूटर से रिलेटेड क्यों नहीं दे रहे हो, बाहर से क्यों दे रहे हो? बाहर से इसलिए है क्योंकि मैं आपको अभी ये बोलूं कि भैया इनपुट कैपेबिलिटी क्या है, इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस की कैपेबिलिटी ये कि वो अगर मैं टाइप करूंगा कुछ भी तो वो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट है, कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है भाई, इस चीज को सुनने के बाद आपको ना दिमाग में एक पिक्चर बनी कि भैया क्या कैपेबिलिटी, क्या परफॉर्मेंस। इसीलिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जो कि आपके रियल लाइफ से रिलेटेड था। कंप्यूटर का एग्जांपल हम आपको तब देंगे जब आप थोड़ा सा शायद इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो भाई, अरे नोट करना था आपको, चलो इसको नोट कर लिया। अच्छा, पिछली स्लाइड नोट करी कि नहीं करी? ठीक है, इस स्लाइड को भी नोट कर लो, बहुत बढ़िया, इस स्लाइड को भी नोट कर लो, आपने कर ही लिया होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ने वाले हैं। इस स्लाइड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको केवल समझने के लिए, मतलब बेसिकली सुन लो, ठीक है, जरूरत नहीं है आप इस चीज को लिखो ही कहीं भी, इसको सुन लो। बेसिकली ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर नाम के सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपको इससे एक नॉलेज मिलेगी कंप्यूटर कैसे हार्डवेयर उसका काम करता है, कैसे वो अपने इंस्ट्रक्शन के साथ डील करता है, ये सब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है भैया, कैसे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो कैरिड आउट हार्डवेयर तक पहुंचते हैं, बेसिकली कैसे इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर तक पहुंचते हैं, कैसे काम हमारा होता है कंप्यूटर के अंदर इंटरनली। ठीक है, और सबसे बहुत ही ज्यादा जिसकी वजह से शायद आप वीडियो देख रहे हो कि भैया पास हो जाए एग्जाम में, अच्छे नंबर आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, हम थोड़ा सा हमारी बैकपैक नहीं लगेगी, निकल जाएंगे हम लोग। ठीक है भाई, ठीक है, ये तो हमारा एम था इस पूरे कंप्यूटर और सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने वाला। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो जो बोला है उसके अंदर आपको बेसिकली कुछ चीजें ध्यान रखनी, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज आर्किटेक्चर। ठीक है भाई, ऑर्गेनाइजेशन का मैंने मतलब हिंदी में सिंपल सिंपल यही है कि कैसे हम चीजों को व्यवस्थित करते हैं, उसकी वजह से बेसिकली स्ट्रक्चर और बिहेवियर का डिसीजन हम लेते हैं। वो तीन पॉइंट जो मैंने लास्ट में बताए थे, जो कि क्या है भैया, हमने कैसे चीजों को अरेंजमेंट किया है, कैसे उसका ऑपरेशन हो रहा है, कैसे वर्क फ्लो हो रहा है, ये तीन पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, आर्किटेक्चर का सिंपल सा मतलब है एक डिजाइन और एक मैप की बात हो रही है। ठीक है भाई, कंप्यूटर बेसिकली कुछ नहीं होता, एक रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है। ये हो गई आज की पूरी वीडियो की समरी। ठीक है भाई, तो ये अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शनल यूनिट्स के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सीताराम।